नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। असाधारण ब्याज का प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली से 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। पढ़ते हैं 14 प्रश्न नंबर। कुछ आदमियों ने 5 मार्च को 130 रुपये कर्ज लिया, 10 अक्टूबर को 133 रुपये 90 पैसे चुका दिया, ब्याज की दर बताना है। देखिए, हमारा जो पी है वो 130 रुपये है, यानी मूलधन 130 रुपये है, ए हमारा है 33 रुपये 90 पैसे, तो हमारा ब्याज आया 3 रुपये 90 पैसे। अब पाँच मार्च से, तो यानी अप्रैल मई जून, ये आपके दिन पड़ते हैं 31 के। कितने पड़ते हैं? 31 के। तो 31 के पड़ते हैं 3 महीने, तो हो गए 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 93 दिन। फिर मई जुलाई अगस्त, ये पड़ते हैं 30 के, तो ये हो जाएंगे आपके 90 दिन। कितने हो जाएंगे? 90 दिन। फिर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, ये हमारा 10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। तो 10 दिन ये हो गए। और 5 मार्च से, यानी पूरा मार्च है उसमें से 5 निकाल देते हैं, तो मार्च 31 के होते, यानी 26 दिन हो गए। अब इन दिनों को हम जोड़ लेते हैं, इन दिनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो इनका योग आएगा 6 × 3 = 9 और 9 × 9 = 18 18 + 1 = 19 19 + 21 19 + 21। तो हमारे जो दिन आए वो आए 219, यानी हमारा जो समय आया हमारा 219 दिन। अब हमें निकालना है दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणे सौ बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज है हमारा 3 रुपये 90 पैसे गुणे 100 बटे मूलधन है 130 रुपये, और हमारे पास जो समय है वो समय को हम क्या करते हैं, इसके दिन दिए हैं तो इसको हम वर्षों में बदल लेते हैं। दिन दिए हैं इसको हम वर्षों में बदलने का प्रयास करते हैं। 219 बटे 365 दिन। तो 73 का आपका जो टेबल है, ये 73 का टेबल आप याद कर लीजिए, क्योंकि दिन की संख्या इन्हों से आती है। तो 73 × 3 = 219 और 73 × 5 = 365, 73 × 5 = 365, 3, और बटे की संख्या हमेशा ऊपर क्या करती है? गुणा करती है। तो यहाँ से 2 जीरो हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो बढ़ाते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 13 × 3 कितने होते हैं? 39, 13 × 3 = 39, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारी जो दर आई वो आई 5%, हमारी जो दर आई वो 5% हमारी दर आई। देखते हैं आपकी समझ में आया होगा, अगर आप इसी प्रकार से करते हैं तो परीक्षा में आप नहीं फंसेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आप देखिए और पढ़िए। किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिश्र धन 540 रुपये, 7 वर्षों में आपका जो मिश्र धन है वो 576 रुपये हो जाता है। दो बार मिश्र धन दिया है, समय की चर्चा की गई है, दर और मूलधन पूछ रहा है। देखिए, सात वर्ष में आपका जो मिश्र धन हो जाता है वो 576 रुपये, और 5 वर्ष में आपका जो मिश्र धन है वो हो जाता है 540 रुपये। अब दोनों का अंतर 6, और यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3, तो हो गया 36। यहाँ पर अंतर आया 2 वर्ष। अब एक वर्ष का आपका जो ब्याज आया वो 18 रुपये। देखिए, एक वर्ष का ब्याज 18 रुपये, तो 5 वर्षों के बाद कितना आया? 5 × 5 × 18 = 90 रुपये, 5 × 18 = 90 रुपये। जब ब्याज 90 रुपये तो मिश्र धन 440, अब 5 वर्ष का ब्याज 90 रुपये, मिश्र धन 540, तो आपका मूलधन कितना आया? 0 से 0 = 14 से 9 गए, कितने बचे? 5,
कितने बचे? पाँच, यहाँ बचा चार, तो आपका जो मूलधन आया वो 450 रुपये। अब हम आराम से दर निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ब्याज भी है और मूलधन भी है और समय भी है, हमारे पास समय भी है क्योंकि ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन और गुणे दर गुणे समय। अब देखिए ब्याज आया एक वर्ष का कितना आया 18 रुपये और गुणे 100 और मूलधन कितना है 450 रुपये और समय कितना है एक वर्ष क्योंकि एक वर्ष का ब्याज कितना था 18 रुपये। अब जीरो से जीरो कैंसिल 9 दूनी 18 और 9 पच्चे 45 5 दूनी 10 आपकी दर आई 4% यानी आपका विकल्प नंबर एक सही होगा। प्रश्न नंबर 16 एक बार पढ़ते हैं कि रुपये 650 पर 6 मास का साधारण ब्याज 32.50 रुपये हो जाता है, वार्षिक दर क्या होगी? देखिए पी बराबर दिया है 650 रुपये 00 पैसे, ब्याज दे रखा है 32.50 रुपये, ब्याज दे रखा है 32.50 रुपये, समय बराबर 6 माह अर्थात 1/2 वर्ष। दर आप पूछ रहा है तो दर बराबर होता क्या है, ब्याज और गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। ब्याज हमारा है 32.50 रुपये गुणे 100 और मूलधन है 65.650 रुपये गुणे समय 1। बटे के नीचे बटा नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर गुणा कर देता है, दो जीरो हैं, पॉइंट है, दो जीरो हटाते हैं, 100 से 100 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल। देखिए हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, ये बच्चों को या कोई भी स्टूडेंट हो उसको देखना होगा क्योंकि देखिए 5 25 हंसी लगे 2 6 5 30 और 2 32 अर्थात 65 पंचे होते हैं 325। एक बार फिर समझाने का प्रयास करते हैं, देखिए 5 25 हंसी लगे 2 6 5 30 2 हंसिल 325, तो 65 पंचे कितने हुए 325, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हमारी जो दर आई वो कितनी आई 10%। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 17 कितने समय में 5 रुपये सैकड़े ब्याज की दर से 1000 रुपये का ब्याज 500 रुपये हो जाता है? पी बराबर हजार रुपये, ब्याज बराबर 500 रुपये और आर यानी सैकड़ा दिया ना 5% वार्षिक, समय पूछ रहा है तो देखिए समय बराबर क्या होता है, ब्याज और गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर बराबर 500 गुणे 100 बटे 1000 गुणे 5 बटे 1000 गुणे 5 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1 जीरो से j वाला कैंसिल तो 5 एकम 5 5 जीरो 0 यानी हमारा जो समय आया वो आया 10 वर्ष, समय हमारा आया 10 वर्ष, विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 18 पढ़िए एक बार, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में मिश्र धन यानी हो जाता है तो मिश्र धन समझिए 1690 रुपये 1690 रुपये। आपका यहाँ पर ए दिया है 1690 रुपये। आर बराबर 5% वार्षिक है और समय बराबर दे रखा है आपका 6 वर्ष, ये मिश्र धन दिया है। देखिए एक वर्ष में आप ये बताइए एक वर्ष में दर हुई आपकी 5%, कितनी हुई 5%, तो 6 वर्षों में आपकी दर कितनी हो जाएगी 6 पंचे 30%, कितनी हो जाएगी 6 पंचे 30%, तो एक वर्ष में 30% बराबर है 1690 रुपये। अब 100% यानी 130% बराबर
निकालते हैं, कोई चीज़ होती है 100%, अब क्या करते हैं प्रतिशत हटाते हैं, 130 बटे 100 बराबर 169 बराबर 169 गुणे 100 1690 बटे 130 बटे 130, जीरो से जीरो कैंसिल, 13 की जो मल्टीपल होती है गुणा होती है 13 हम 169 बराबर 1300 रुपये, आपका जो मूलधन आएगा 1300 रुपये आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बार इनको आप ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक एक सवाल आपका लगा है, बार बार देखेंगे तो रिवीजन आपका जरूर होगा। प्रश्न नंबर 19, 300 रुपये का 3 पैसे प्रति छमाही की दर से 3 सही 1 बटा 2 वर्ष का ब्याज बताइए। पी बराबर 300 रुपये, पी बराबर 300 रुपये, एन बराबर 3 पैसे प्रति छमाही, यानी 6% आपकी दर आई, दर बराबर 6%, एन बराबर 3 सही 1 बटा 2 वर्ष बराबर, यानी 7/2 वर्ष समय आया, 7/2 वर्ष ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर 300 गुणे दर 6/7/2/100, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 3 6 3 3 9 9 × 7 बराबर 9 7 63 रुपये, आपका ब्याज आया 63 रुपये। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर सही होगा 4। प्रश्न नंबर 20 पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, 800 का 5 वर्ष 6 माह का 4 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन होगा। पी बराबर दे रखा है 800 रुपये, एन बराबर दे रखा है 5 वर्ष 6 माह, इसका मतलब हुआ 5 वर्ष 1/2, 1/2 5 × 10 11/2, तो एन बराबर आपका रियल में आया 11 सही 1/2 वर्ष, आर बराबर दे रखिए 4 सही 1/2 यानी 9/2% वार्षिक, 2% वार्षिक निकालना, इसमें क्या है ब्याज निकालना है मिश्र धन। देखिए पहले हम ब्याज निकालते हैं, क्या होता है ब्याज मूलधन गुणे दर बटे 2 लिखेंगे इसका दर, फिर समय क्या है आपका 11/2 और बटे में 100 होता है, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 × 4 और 4 × 8, अब 11/99 गुणे 2 2 9 18 2 9 18 2 9 18 और 1 19, आपका जो ब्याज आया वो आए 198 रुपये मिश्र धन। ए बराबर क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन, तो 198 प्लस 800 बराबर 998 रुपये, कितना आया 998 रुपये मिश्र धन आपका आया 998 रुपये, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा सही 198 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21।